हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं टेंथ क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। तो तीन चार चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं लाइफ प्रोसेसेस के नाम से। लाइफ प्रोसेसेस, इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं, बायोज मीन्स लाइफ, लॉजी लोगो मीन्स स्टडी, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं काफ़ी समय से। बायोलॉजी अगर इसको तोड़ के देखें तो बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो बायो की एक ब्रांच होती है जिस ब्रांच में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, उनके किस किस तरह से वो शरीर में काम करते हैं। तो वो जो ब्रांच है बायो की, उसका नाम होता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब आप ये सोचेंगे कि भाई लाइफ प्रोसेसेस तो बता दिया कि इनकी जो स्टडी करवाते हैं उस ब्रांच का नाम है फिजियोलॉजी, लेकिन हमें तो अभी यही नहीं पता कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या। तो इससे पहले कि हम इन प्रोसेसेस की बात करें, इसके नाम से ही आपको लग रहा है लाइफ प्रोसेसेस होंगे कहाँ। लाइफ प्रोसेसेस होंगे लिविंग बींग्स में। अब कोई भी चीज़ लिविंग है या लिविंग नहीं है, सजीव वस्तु है या निर्जीव है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो कुछ स्पष्ट लक्षण होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले इसी बात को कर लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके बाद हम प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आई वॉन्ट टू रिसाइट द मेन डिफरेंसेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई चीज क्या है? सबसे पहली बात, जो लिविंग बींग्स हैं उनकी खासियत यह है कि लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स को शरीर के अंदर लेते हैं और फिर से उनसे एनर्जी लेते हैं और अपने सारे जितने भी कार्य हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में, सारे वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि दे टेक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये बातें पहले आ चुकी हैं आपकी लोअर क्लासेज में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं, मैं आपको केवल समझाना चाहूँगा इनको। न्यूट्रिशन लेते हैं लिविंग बींग्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेके उनसे एनर्जी डिराइव करके और बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स को किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। दूसरा, लिविंग बींग्स की खास बात है कि रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, आप अपने आप को ले लो, तो हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और CO2 हम छोड़ते हैं, तो इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। डिटेल से अभी आप आगे पढ़ लेंगे, रेस्पिरेशन पे चैप्टर आएगा पूरा, कि पूरा प्रोसेस क्या है ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन जिसको हम कह रहे हैं अभी फिलहाल। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि लिविंग बींग्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म रेस्पिरेशन, बट देर इज नो रेस्पिरेशन इन नॉन लिविंग बींग्स। जो नॉन लिविंग बींग्स या थिंग्स हैं उनमें कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो सांस नहीं लेते। यहां पर आपने ये नहीं सोचना है कि भाई जो रेस्पिरेशन करते हैं वो तभी करते हैं जब वो कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप सो रहे हैं,
तो सो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप सो गए तो हम रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स की सहायता से, फेफड़ों की सहायता से। तो आप उसमें ये सुविधा अपने लिए नहीं है कि जब आप सोने लगोगे तो लंग्स को ये कह दोगे कि भाई मैं सो रहा हूँ, आप भी सो जाओ, सुबह उठ जाना। ऐसा कुछ नहीं होगा, लंग्स अपना काम करते रहेंगे, यानी कि जब हम सो रहे हैं तब भी रेस्पिरेशन होता है। दूसरे जीव जंतु आपने देखे होंगे, जैसे कि मान लिया कोई कुत्ता सो रहा है, बिल्ली सो रही है, तो कभी आप देखना उनको सोते हुए, तो अलग से वो रेस्पिरेशन आपको दिखाई देगा। हम सोते हैं तो हमारा भी रेस्पिरेशन दिखाई देगा, आपको महसूस होगा, आप पास जाके देख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन लिविंग बींग्स करते हैं इवन व्हेन दे स्लीप, जबकि नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो ऐसा नहीं करते हैं। तीसरा, लिविंग बींग्स की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये मूवमेंट्स करते हैं, यानी कि जो लोअर क्लासेस में आप ये पढ़ते आए हो कि भाई जो लिविंग बींग्स हैं वो चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो इनमें क्या होती है, मूवमेंट्स होती हैं। जबकि नॉन लिविंग में मूवमेंट्स बाई सेल्फ कभी नहीं हो सकती, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगी बाई सेल्फ। कोई दूसरा मूवमेंट करवा दे तो अलग बात है, जैसे आपके सामने चेयर रखी हुई है तो आप उस चेयर को उठा के और कहीं रख दें, दैट इज डिफरेंट थिंग, या तेज हवा आ जाए वो उसको रख दे, वो अलग बात है, क्योंकि वो अपने आप नहीं हो रही है, उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। जबकि लिविंग बींग्स क्या हैं, वो अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन। ये जो मूवमेंट होती है, अब यही बात कर लेते हैं, ये दो टाइप की हो सकती है, यानी कि बाई स्टिमुलाई, एक तो हम ये कह सकते हैं, स्टिमुलाई का मतलब है कोई बाहरी एजेंट जो मूवमेंट के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, उसी को स्टिमुलस कहते हैं। आप आराम से बैठे हुए हैं और आपके पास कोई गर्म लोहे की रोड लेके आता है और आपको टच कर देता है, तो आप क्या करेंगे, आप उछल के पड़ेंगे, यानी मूवमेंट होगी आप में। तो ये जो रोड आई है इसको हम क्या कहेंगे, फिर स्टिमुलस। ये तो मैंने वैसे एक बड़ा एग्जांपल दिया है, किसी भी टाइप का स्टिमुलस, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको मूवमेंट के लिए मजबूर कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। जैसे कि चाहे वो फिजिकली रिएक्ट आपके साथ कर पाए या ना कर पाए, वो दूसरी बात है। जैसे आप बैठे हुए आराम से और हाथ में चोक लेके और कोई आपकी तरफ ऐसे करता है, चाहे वो आपको चोक मारे या ना मारे, लेकिन फिर भी आपकी पलक झपकती है। तो ये जो बाहर का एक्सटर्नल सब्सटेंस है इसको कहते हैं स्टिमुलस, और जो अपनी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे आपने पलके एकदम झपकाई, ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है। तो मूवमेंट्स होती हैं स्टिमुलस के द्वारा लिविंग बींग्स में, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा नहीं हो सकता। आप दीवार की तरफ चोक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दीवार डांस करने लग जाएगी, कहीं चली जाएगी, पलकें झपकाएगी, ये तो लिविंग बींग्स में ही होगा, यानी कि स्टिमुलस के द्वारा मूवमेंट्स होते हैं किसमें, लिविंग बींग्स के अंदर। ये जो मूवमेंट्स हैं इनमें तो होते ही नहीं, मूवमेंट्स की बात हम करें, ये मूवमेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं। ऐसे मूवमेंट जो हमें दिखाई दें, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किए, या फिर आप उठ के चलने लगे, भागने लगे, ये सारी मूवमेंट्स कैसी हैं ये हमें दिखाई देंगी, आप पूरे करें या कोई आपका बॉडी पार्ट करे। जैसे कि आप एक जगह खड़े रहे लेकिन हाथ पैर ही लाएं, तो बॉडी पार्ट्स भी कर सकते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है, लेकिन ये ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये हैं विजिबल मूवमेंट्स, विजिबल मूवमेंट्स या लोकोमोशन जो हमें दिखाई देती। कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि इनविजिबल मूवमेंट्स। इनविजिबल द मूवमेंट्स विच आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, जो नेकेड आई से दिखाई नहीं दे वो कैसी हैं, इनविजिबल मूवमेंट्स हैं। भाई ये चलना फिरना ये चीज़ें तो आपको दिखाई देगी। अब अपने शरीर के अंदर, अपना शरीर भी एक विशेष टाइप की मशीनरी है, इसमें पता नहीं कैसे कैसे रिएक्शन होती है,
सोच के देख लीजिए आप, जो कुछ खाते पीते हैं वो हजम भी होता है, फिर वो टूटता भी है, ग्लूकोज बनता है, उससे फिर ऑक्सीजन बनती है, वो एनर्जी आपकी सेल्स लेती हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाती है, CO2 को इकट्ठा करती है, फिर शरीर से बाहर कर होता है वो लंग्स के द्वारा। तो कितने पता नहीं ऐसे प्रोसेसेस अपनी बॉडी के अंदर होते हैं। तो क्या ये प्रोसेसेस हमें सारे दिखाई देते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। भाई जैसे हीमोग्लोबिन का फंक्शन मैंने आपको बताया, भाई हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा लंग से और फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा, सेल्स तक पहुंचाएगा, CO2 वहां से लेगा, लंग्स को देगा, लंग्स बाहर करेंगे। तो क्या कभी ये आपने देखी भी ये चीजें? आप माइक्रोस्कोप से देखें दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वैसे कभी देखी है क्या? हीमोग्लोबिन ने आपको कभी सूचित किया है कि भाई मैं ऑक्सीजन अब उठाने वाला हूँ, मैं इस सेल से अब CO2 लेने वाला हूँ, या ऐसी कोई भी बात? तो ये जो स्मॉल लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मूवमेंट्स होती हैं, इनको कहा जाता है मोलिक्यूलर मूवमेंट्स। और ये कैसी होती हैं? इनविजिबल हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? मोलिक्यूलर मूवमेंट्स। ये मोलिक्यूल की मूवमेंट्स हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दीज मोलिक्यूलर मूवमेंट्स आर द बेसिक्स ऑफ लाइफ। इसको आपने भूलना नहीं है। मोलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या हैं? दे आर बेसिक्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ की बेसिक्स हैं। इन मूवमेंट्स के कारण ही अपनी बॉडी फंक्शन करती है। ऑर्गेनाइजेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, 8th 9th में जरूर पढ़ा होगा आपने कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लिविंग का लेवल है उसी का नाम है सेल। वैसे तो सबसे छोटी का ये एटम है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर ऐसे बढ़ते चलते हैं, लेकिन जो पहली चीज जो लिविंग है वो क्या होती है? सेल। फिर एक जैसी सेल्स ग्रुप में मिलकर काम करती हैं ताकि उनका वर्कलोड कम हो जाए, उसको क्या कहते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। जैसे अपनी बॉडी में चार टाइप के टिश्यू हैं, एपिथीलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी आप पढ़ चुके हैं 9th में। फिर ऑर्गन्स, शरीर का कोई एक अंग होगा तो उसमें क्या होगा? सारे टिश्यूज उसमें होते हैं। जैसे आपका हाथ है तो इसमें सारे टिश्यू हैं। जो ऊपर की लेयर है एपिथीलियम टिश्यू की है, जितने जोड़ हैं तो कनेक्टिव टिश्यू भी है इसमें। मूवमेंट्स हो रही हैं नर्वस टिश्यू के कारण होती हैं, और हमें फील हो रहा है ब्रेन के द्वारा तो क्या है? नर्वस टिश्यू। तो चारों टाइप के टिश्यूज हैं इसमें। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे मुंह से आप खाना खाते हो वो उसका पार्ट हो गया, दांत यानी कि टीथ उनका अलग रोल है वो भी उसी का पार्ट है, टंग का अपना रोल है, जीभ क्या करती है? खाने को उठा उठा के दांतों के नीचे रखती है ताकि उसकी कटिंग हो सके, उसका अलग रोल है। फिर अंदर विंड पाइप है या फिर ईसोफेगस है, फूड पाइप जिसको कहते हैं, स्टोमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर काम करेंगे तब एक सिस्टम बनेगा जिसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो एक टाइप का क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाएंगे अपनी बॉडी के तो हम कहेंगे भाई एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इससे आगे भी होता है, कम्युनिटी है या फिर इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर तक ये चला जाएगा। बाकी अपने काम की बात तो यहीं तक है कि इसी को, ये जो है ना सेल से टिश्यूज बनना, टिश्यू से ऑर्गन, इसे वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हों। अब आप कहेंगे क्यों हों, क्या जरूरत पड़ेगी? वो जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है, या हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारी हमारी सेल्स टिश्यूज वेस्ट हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर नई ना बने तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नई कैसे बनेंगी? वो तभी बनेंगी जब इनमें मूवमेंट होगी, कोई मॉलिक्यूल्स आपस में मूवमेंट करें, कोई मॉलिक्यूल किसी के साथ रिएक्ट करे, कोई टूट जाए, कोई नया बन जाए। तो ये सारी मूवमेंट्स जब होंगी तभी लाइफ आगे चलेगी। इसीलिए कहा है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या हैं? बेसिक्स ऑफ लाइफ हैं।
काफ़ी जोर इस बात के ऊपर हमने दे दिया है, तो इस बात को आई थिंक अब आप भूलेंगे नहीं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या हैं, ये बेसिक्स ऑफ लाइफ हैं, ये ज़रूरी हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात करिए मूवमेंट्स के ऊपर, थोड़ा सा बुक में दिया हुआ था तो मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। हम बात करें लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस की। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, इनमें ग्रोथ होती है, और ग्रोथ कैसी होती है इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, फ्रॉम विद इन। ये ग्रोथ कैसी होगी, अंदर से होगी, बाहर से नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि ग्रोथ तो इनके अंदर भी होती है, नॉन लिविंग में भी, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसके जो है वो साइज़ में बड़ी हो सकती है, कोई लकड़ी है तो फूल के और बड़ी हो सकती है, भारी हो सकती है, लेकिन इस ग्रोथ में और उस ग्रोथ में फ़र्क है। नॉन लिविंग की जो भी ग्रोथ होगी ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण है, उसके अंदर से नहीं है। जैसे लकड़ी को आपने पानी दिया तब वो फूल गई या भारी होगी, उसको हम रियल ग्रोथ नहीं कह सकते। या कोई भी आपकी चीज़ रखी है उसके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी जमा होगी, तो एक्चुअल जब आप उसको वेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन क्या वो उसकी ग्रोथ है, वो उसकी ग्रोथ नहीं है। तो इनकी ग्रोथ कैसी होती है, दिस ग्रोथ इज़ फ्रॉम विद इन द बॉडी लिविंग बींग्स की, जबकि इनकी ग्रोथ, पहली बात रियल ग्रोथ तो होती नहीं। हाँ, इनका साइज में ऐसी इंक्रीज हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, इंक्रीज इन साइज और वेट, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, इसके अंदर के कारण नहीं होता। तो ये अगला डिफरेंस है लिविंग्स में और नॉन लिविंग्स में। नेक्स्ट, लिविंग्स की एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं तो उनकी हर देश में अलग, जैसे अपने देश में 63-65 की एवरेज एज है, तो एक फिर उसकी लाइफ साइकिल है कि भाई पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर वो बच्चा है, फिर वो युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है, इस तरह पूरी प्रॉपर क्या है, एक लाइफ साइकिल है। प्लांट की भी है, पहले बीज होता है, फिर पौधा छोटा है, फिर बड़ा होता है, और यानी कि लाइफ साइकिल। आप किसी की पढ़ें जैसे कि मॉस्किटो की है, या ये आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, तो सब की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, जबकि नॉन लिविंग की कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। तो हम कहेंगे दे हैव डेफिनेट लाइफ साइकिल, इनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं है, नो लाइफ साइकिल। एक डिफरेंस और कर लेते हैं, लिविंग बींग्स में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि नॉन लिविंग्स में ऐसी कोई बात नहीं होती। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये मतलब है, जैसे आप अपने आप को ले लो, कंट्रोल का मतलब है कि कोई ना कोई अपने शरीर में ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जो सबको कंट्रोल करे, और उसका नाम है जैसे ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम अपना वो सब कुछ कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, इसका कारण यही है कि आपका ब्रेन काम कर रहा है। अगर किसी पागल को बिठा दो तो क्या वो बैठ के समझ सकता है, क्या ऐसे वीडियो लेक्चर देखेगा वो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं करता। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये कंट्रोल करती है, लेकिन अकेले कंट्रोल से कोई बात नहीं बनती, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब है अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करें। यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है और मैं ये पेन उठाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सभी ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ब्रेन ऑर्डर देगा आईज़ को कि भाई आप देखो, आँखों को कहेगा देखो पेन कहाँ रखा है, तो पहले तो आईज़ अपना काम करेंगी। फिर ब्रेन ऑर्डर देगा अपने फीट को, पैरों को कि भाई चलो पेन तक पहुँचो, और फिर वो हाथों को ऑर्डर देगा हैंड्स को कि भाई इसको उठाओ। तो देखो कितने, इसके अलावा इस दौरान हम रेस्पिरेशन भी करेंगे, ये बातें अलग रहेगी। तो सारे जितने अपने शरीर के ऑर्गन्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम कहेंगे भाई ये ठीक नहीं है, यानी कि डिजीज़ है। जैसे कि लकवा जब मार जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यही तो है सीधी सी बात कि भाई ब्रेन ऑर्डर तो दे रहा है लेकिन शरीर के ऑर्गन्स उसको मान नहीं रहे। जैसे कि ये पेन उठाना था,
अब ब्रेन ने तो कह दिया लेकिन पैर मना कर दें तो हम तो नहीं चलते, तो फिर कैसे बात बनेगी? या हाथ मना कर दें, मना करने का ये मतलब है कि जो बीमार हो यानी कि लकवा हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डिजीज। डिजीज का मतलब ही यही है। क्या मतलब है डिजीज का? डिस प्लस ईज। ईज का मतलब आराम, यानी कि आरामदायक सिचुएशन। डिस का मतलब खत्म हो जाए, डिसमिस। जब आरामदायक सिचुएशन ना हो उसी को तो डिजीज कहते हैं। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो लिविंग बींग्स में क्या है? कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो कुछ प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दे हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जबकि इनमें कुछ नहीं होता, नॉट सच थिंग। कोई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऐसी कोई बात इनमें नहीं होती है। अब इसमें एक बात और है और वो है वायरसेस की, कि भाई वायरस को हम क्या माने? वायरस को लिविंग माने या नॉन लिविंग माने? तो वायरस के बारे में आपने याद रखना है वायरस बॉर्डरलाइन के ऊपर रखे हुए हैं। ये वायरस किसी फिल्म का नहीं है, कहीं आप ये सोचो 3 इडियट वाला यहाँ कहाँ आ गया वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर फंगस है, प्रोटोजोआ, ये 4 टाइप के होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 4 टाइप के, उनमें एक टाइप कौन सी है? वायरस। तो वायरस क्या है? ये बॉर्डर लाइन के ऊपर रखे हुए हैं, ना तो ये प्रॉपर इनको हम लिविंग कह सकते ना नॉन लिविंग कह सकते, यानी कि ये कहाँ है? दे आर ऑन बॉर्डर लाइन। जब तक वायरस बाहर पड़े हुए हैं, कहीं भी बाहर हैं, किसी लिविंग की बॉडी के अंदर नहीं है, तब तक वो डेड हैं, तब तक वो नॉन लिविंग हैं। जैसे ही वो किसी भी लिविंग के अंदर आते हैं तो फिर वो अपना सारा फंक्शन करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ ही लिविंग हो जाते हैं। ये इनकी खास बात है, यानी कि अगर ये आउटसाइड हैं तो ये कैसे हैं? नॉन लिविंग हैं। एंड व्हेन दे इन्फेक्ट समवन, जब इन्फेक्शन हो जाए यानी कि अंदर आ जाएं, अगर ये अंदर आ गए, इनसाइड लिविंग, किसी भी लिविंग के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं, दे बिकम लिविंग। इनको नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्यों रखा? वो इसलिए रखा क्योंकि इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होती नहीं, जैसे अभी ये पढ़ी थी हमने, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो इनमें नहीं होती, यानी कि नॉन लिविंग क्यों है ये? ड्यू टू लैक ऑफ, लैक मीन्स कमी, यानी कि इसमें ये नहीं है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, इसलिए हमने नहीं रखा इसको कहाँ पे? लिविंग में। और कहाँ रख दिया? ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है, कि बाहर है तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर आगा तो क्या होगा? लिविंग हो जाएगा। देखो, 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मेन। एक तो यूनिसेलुलर हैं, प्लांट एनिमल तो है ही, वैसे सेल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, एक यूनिसेलुलर हैं और दूसरे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक सेल होती है, सिंगल सेल, और वही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है जितने भी उसको करने हैं, चाहे वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, कुछ भी है, वही एक करेगी। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनके ग्रुप्स बनते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यूज बनते हैं और फिर वो अलग अलग काम करते हैं। तो यूनिसेलुलर में जैसे एग्जांपल है अमीबा, इसमें क्या होता है? ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं एनवायरमेंट के, यानी कि एक ही सेल है, तो एक ही सेल है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, और कोई तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा? ये एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं, याद रखना है, अमीबा में क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा किसके साथ? विद एनवायरमेंट। किसका? इस सेल का। और मल्टी सेलुलर में क्या होगा? उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता,
जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बहुत सारी सेल्स हैं और उन सेल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है विद एनवायरनमेंट, इसीलिए वहां पर क्या होता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स बन जाते हैं और वो ऑर्गन्स फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सो दे नीड स्पेसिफिक ऑर्गन्स, इसलिए इनको स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी और तब ये क्या करेंगे आगे के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अभी तक आप ये मान के चलो कि ये जो पहला चैप्टर है इसके बैकग्राउंड की बात हमने की है, एक्चुअली ये चैप्टर अभी हमने शुरू नहीं किया है। अभी तो आपको ये बताया कि बायो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और लिविंग क्या होते हैं नॉन लिविंग क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब वापस इसी के ऊपर आ जाते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। ये सारी कहानी किस लिए थी कि भाई लाइफ प्रोसेसेस कहाँ होते हैं लिविंग बींग्स में, तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि भाई लिविंग बींग्स क्या हैं जिनके अंदर ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके अलग अलग चैप्टर या टॉपिक्स हमने बना रखे हैं। तो आगे स्टडी करेंगे कि भाई ये लिविंग बींग्स हैं ये कौन कौन से ऐसे प्रोसेस करते हैं जिनसे ये अर्थ पर अपना सर्वाइवल रखते हैं और इन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहेंगे। यानी कि डिफाइन कैसे करेंगे लाइफ प्रोसेसेस को, द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी और एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव और सस्टेन ऑन द अर्थ, इनको हम कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। जैसे आपके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, अगर न्यूट्रिशन आप नहीं करेंगे खाना नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी यानी कि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन क्या होगा, एक लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन है, सांस लेना आपके लिए जरूरी है, अगर आप सांस नहीं लेंगे तो कितनी देर आप जिंदा रह सकते हैं, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। फिर जो न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर हैं या बहुत सी चीज़ें जो पहुंचानी पड़ेंगी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, यानी कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर जो वेस्ट मेटीरियल वो शरीर से बाहर जाने चाहिए यानी कि एक्सक्रीशन है, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन, हालांकि रिप्रोडक्शन को हम एसेंशियल नहीं कह सकते क्योंकि उसके बिना आदमी जिंदा रह सकता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, लेकिन एसेंशियल इसलिए कि भाई उसको अगर जनरेशन चलानी है, वंश चलाना है, तो वो भी फिर नेसेसरी कैटेगरी में, यानी कि उसको भी हम लाइफ प्रोसेसेस मान के चलेंगे।